Chapter number 12, Introduction to Numerical Method, Exercise 12.1, Find an interval means x is less or equal to b and is greater or equal to a. This is closed interval at which if of a and if of b have opposite sign for the following function. देखिए यहाँ पे opposite sign का मतलब opposite sign means opposite sign means one is positive and the other is negative. One is positive, second one is negative. या फर्स्ट वन इज नेगेटिव सेकंड वन इज पॉजिटिव दीज आर पार्ट अपोजिट साइन इफ बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव दीज आर सेम साइन फॉर एग्जांपल इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इफ ऑफ एक्स इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन मैंने लिया 5 माइनस x स्क्वायर अगर हम यहाँ पे x की जगह फॉर एग्जाम्पल जीरो पुट करते आ जाएगा इफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 5 माइनस जीरो सो इफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 5 जो कि हमारे पास ग्रेटर देन जीरो तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो साइन है वो हमारे पास पॉजिटिव है फॉर x इज इक्वल टू 1 अगर हम x की जगह 1 पुट कर दिया जाएगा if of y is equal to 5 minus 1 square so 5 minus 1 is equal to 4 ये again greater than 0 है तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास इसका जो साइन है ये भी पॉजिटिव है अगर हम x की जगह 2 पुट कर दिया जाएगा if of x is equal to 5 minus 2 आ जाएगा 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1 ये भी ग्रेटर देन 0 है मतलब ये कि ये भी हमारे पास पॉजिटिव है अगर हम यहाँ पे x की जगह 3 पुट करें तो ये आ जाएगा इफ ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 9 अब यहाँ पे माइनस 4 आ गया जो कि हमारे पास लेस देन जीरो है तो ये हमारे पास अब क्या है ये हमारे पास नेगेटिव आ गया अब ये नेगेटिव है और हमने ये पॉजिटिव लेना है इसका मतलब कि आप ये ले ये आप पर बी एक्स पर इज इक्वल टू जीरो पर बी पॉजिटिव है हम जो क्लोज नंबर है हम इसको लेंगे यहाँ पे 1 पे ये हमारे पास पॉजिटिव है और 3 पे हमारे पास नेगेटिव है तो हमारे पास ये इंटरवल बन जाएगा फ्रॉम 1 टू From 2 to 3, from 2 to 3 आगे आगे x की जगह 2 पुट किया था तो ये ऐसे इंटरवल्स है जिसमें ये फंक्शन हमारे पास अपोजिट साइन है इसके एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन भी है इफ ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x माइनस 2 माइनस x पुट x इज इक्वल टू जीरो देखिए आपके पास एक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या आ जाएगा इफ आप जीरो इज इक्वल टू ए पावर जीरो माइनस टू माइनस जीरो तो क्या आ जाएगा ई पावर जीरो भी ये हमारे पास इक्वल टू वन है माइनस टू इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस वन विच इज लेस देन जीरो इसका आंसर क्या है कि माइनस वन विच इज लेस देन जीरो सो मीन इट इज नेगेटिव ठीक है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आप माइनस है तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव फॉर x इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 1 तो क्या जाएगा इफ ऑफ 1 इज इक्वल टू e पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 3
यदि हमारे पास है, यदि हमारे पास है यूलर कांस्टेंट, यूलर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.7183 माइनस 3। अब ये 3 माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.2817। और देखिए ये भी हमारे पास है लेस देन 0, मीन इसका भी जो आंसर आ गया ये भी हमारे पास नेगेटिव है। अब अगर हम देखें तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मीन्स ये दोनों सेम साइन है। हमें देखेंगे कि कब पॉजिटिव आएगा, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम एक्स की जगह 2 पुट कर लेते तो देखिए यहां पे पुट एक्स इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए इफ आप 2 इज इक्वल टू e पावर 2 माइनस 2 माइनस 2 तो ये आ जाएगा इफ आप 2 इज इक्वल टू e पावर 2 माइनस 4। अब ये कैलकुलेटर पे करें e पावर 2 से हमारे पास आ जाएगा 7.7.3890 माइनस 4। अब ये माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3.389 जो कि ग्रेटर देन 0 है। देखिए आप ये ग्रेटर देन 0 आ गया, मीन इसका जो साइन है ये हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पे इफ ऑफ 1 का साइन हमारे पास है नेगेटिव से If of 1 is less than 0 means negative and if of 2 is greater than 0 means positive। अब देख एक negative आ गया एक positive, तो हम कह सकते हैं कि ये function है इसका sign opposite। So the function if of x has opposite sign and interval 1, 2 to ye aa gaya hamara answer। Part B, question number 1, the function is f of x is equal to cos x plus 1 minus x where x is in radian, so put x is equal to 0 radian, our class aa jayega f of 0 is equal to cos 0 plus 1 minus 0 तो ये आ जाएगा if of 0 cos 0 is 1 so 1 plus 1 is equal to 2 which is greater than 0 so the sign of if of 0 is positive। Now put x is equal to pi divided by 6 तो ये आ जाएगा if of pi divided by 6 is equal to cos pi divided by 6 plus 1 minus pi divided by 6 तो ये आ जाएगा if of pi divided by 6। ये कैलकुलेटर के साथ करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.866 प्लस 1 माइनस पाई डिवाइड बाय 6 से हमारे पास आ जाएगा 0.523।
थ्री फाइव। अब ये दोनों एड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.866 माइनस 0.5235। तो क्या जाएगा, ये दोनों माइनस करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.34 3425। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इफ 5/6 विच इज ग्रेटर देन 0 मीन इट इज आल्सो पॉजिटिव। सो इफ 0 एंड इफ 5/6 हैव सेम साइन पुट x इज इक्वल टू 5/4। तो क्या जाएगा, इफ 5/4 इज इक्वल टू cos 5/4 प्लस 1 माइनस 5/4 cos 5/4 कैलकुलेटर पे साल पर जो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.7071 प्लस 1 माइनस 5/4 से हमारे पास आ जाएगा 0.7853। तो ये आ जाएगा इफ 5/4 ये दोनों एड कर तो आ जाएगा 1.7071 माइनस 0.7853। अब इससे ये माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा इफ 5/4 इज इक्वल टू 0.9218 विच इज अगेन ग्रेटर देन 0 मीन इट इज आल्सो पॉजिटिव। नाउ पुट x इज इक्वल टू 5/3। हमारे पास आ जाएगा इफ 5/3 इज इक्वल टू cos 5/3 प्लस 1 माइनस 5/3। सो इफ 5/3 cos 5/3 कैलकुलेटर पे साल का तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.5 प्लस 1 माइनस 5/3। इससे हमारे पास आ जाएगा 1.047 एंड दोनों को ऐड कर दो आ जाएगा 1.5 माइनस 1.047। अब ये कैलकुलेटर पे इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.453 which is again greater than 0 means it is also positive. Now put x is equal to 5/2। हमारे पास आ जाएगा if 5/2 is equal to cos 5/2 प्लस 1 माइनस 5/2 cos 5/2 हमारे पास इक्वल है 0 प्लस 1 माइनस 5/2। इससे हमारे पास आ जाएगा 1.57। सो 1 माइनस 1.57 इससे हमारे पास आ जाएगा इफ 5/2 इज इक्वल टू माइनस 0.57 विच इज लेस देन 0 मीन इट इज नेगेटिव।
Now, sense, देखिए यहाँ पे if of y divided by 3 हमारे पास है positive, if of y divided by 3 हमारे पास है positive and if of y divided by 2 ये हमारे पास है negative, so the function have opposite sign and interval 5 divided by 3 to 5 divided by 2. Part C. If of x is equal to log of x minus 5 plus x, put x is equal to 1, हमारे पास आ जाएगा if of y is equal to log of 1 minus 5 plus 1, तो ये आ जाएगा if of y is equal to log of 1, ये हमारे पास equal to 0, minus 5 plus 1 is minus 4. So if of 1 is equal to minus 4, which is less than 0, so it is negative. Put x is equal to 2, so my pass aa jayega if of 2 is equal to log of 2 minus 5 plus 2, तो ये आ जाएगा log of 2 minus 5 plus 2, इससे हमारे पास आ जाएगा minus 3 log of 2, कैलकुलेटर के साथ में तो ये आ जाएगा 0.693 minus 3, तो ये आ जाएगा minus 2.306, which is again less than 0, so it is also negative. Now put x is equal to 3 aa jayega if of 3 is equal to log of 3 minus 5 plus 3, so if of 3 is equal to log of 3 minus 5 plus 3, ye aa jayega minus 2. Log of 3 calculator pe start kar to ye aa jayega if of 3 is equal to 1.0986 minus 2, तो ये आ जाएगा माइनस 0.9013, विच इज अगेन लेस देन 0, सो इट इज आल्सो नेगेटिव. इफ ऑफ 3 इज आल्सो नेगेटिव. पुट x इज इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा इफ ऑफ 4 is equal to log of 4 minus 5 plus 4, तो ये आ जाएगा log of 4 minus 1. log of 4 कैलकुलेटर पे सॉल्व कर तो ये आ जाएगा 1.3862 minus 1, so 0.3862, which is greater than 0, so it is positive. अब देखिए आगे, if of 4 is positive and if of 3 is negative, so since if of 3 is negative
function have opposite sign and interval 3 to 4. इसी इंटरवल में इसका साइन अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट बी, इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 23, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा इफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 0 प्लस 23, या फिर ये आ जाएगा इफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 23, तो इफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 23 विच इज ग्रेटर देन 0, सो द साइन ऑफ इफ ऑफ 0 इज पॉजिटिव। पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा इफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 23, सो इफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 10 प्लस 23 प्लस 1 इज 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 14, सो इफ ऑफ 1 इज 14 विच इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज आल्सो पॉजिटिव। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, हमारे पास आ जाएगा इफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 10 इनटू 2 प्लस 23, तो क्या आ जाएगा 2 इनटू 2 इज 4 माइनस 20 प्लस 23 प्लस 4 is 27 minus 20 which is equal to 7 which is greater than 0, means if of 2 is also positive. Put x is equal to 3, हमारे पास आ जाएगा इफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 10 इनटू 3 प्लस 23, 3 इनटू 3 इज 9 माइनस 30 प्लस 23, 23 प्लस 9 इज 32 माइनस 30, 32 माइनस 30 इज 2, इफ ऑफ 3 इज 2 विच इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज आल्सो पॉजिटिव। पुट x इज इक्वल टू 4, हमारे पास आ जाएगा इफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 23, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इज 16 माइनस 40 प्लस 23, 16 प्लस 23 इज 39 माइनस 40, और यह हमारे पास आ जाएगा माइनस 1,
is positive if our forehead is negative, since if our brain is positive and if our forehead is negative, so the function function का अपोजिट साइन है।